हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2019 एसएससी जेई के मेंस में आया था। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एसएससी जेई इसको बार बार पूछता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है जो कि 2016 में भी इससे रिलेटेड पूछा गया था, फिर 2017 में भी, 2019 के भी मेन्स में पूछा गया था। तो ये एसएससी जेई के मेन्स में लगातार पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द फेज डायग्राम, फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम फॉर अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का आपको फेज डायग्राम बनाना है ऑन अ पीटी कोऑर्डिनेट्स, मतलब आपको पीटी डायग्राम बनाना है, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम बनाना है, ठीक है, एंड एक्सप्लेन करना है उस चीज को। प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम बना के उसको फिर एक्सप्लेन करना है। देन व्हाई डज द फ्यूजन लाइन फॉर वाटर हैव नेगेटिव स्लोप। फिर आपको बताना है कि फ्यूजन कर्व जो होता है, फ्यूजन लाइन जो होता है आपका वाटर का, उसका नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। पहले बात कर लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, देखिए प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस हैविंग कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस इज अ होमोजीनियस एंड हैविंग कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई मास है तो कहीं पे केमिकल कंपोजिशन कुछ है, कहीं पे केमिकल कंपोजिशन कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जो कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होगा, वो पूरा जो मास है, कोई भी एक मास है उसको अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि वो प्योर सब्सटेंस है, तो पूरे मास का क्या होगा, कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होगा, ठीक है। अगर डिफरेंट अगर लोकेशंस पे देखोगे तो केमिकल कंपोजिशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, होमोजीनियस होगा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस हैविंग कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन, इट इज़ अ वन कंपोनेंट सिस्टम एंड इट कैन एग्जिस्ट इन वन और मोर फेजेस। ऐसा नहीं है कि अगर दो तीन फेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप नहीं कहोगे कि वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज अ केमिकल, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस हैविंग कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन, इट इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम एंड इट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेज, टू और मोर फेज इट कैन एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं कि हम किसको कंसिडर करते हैं प्योर सब्सटेंस को, तो प्योर सब्सटेंस हम लोग कंसिडर करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को। एटमॉस्फेरिक एयर इसका एग्जाम्पल है, वाटर वेपर मिक्सचर हो गया, या फिर आपका प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, कोई भी अगर आइस इंजन है या किसी से भी अगर कंबशन निकल रहा है, प्रोडक्ट निकल रहा है, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, अब कौन प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, तो प्योर सब्सटेंस वो नहीं होगा, फॉर एग्जांपल जैसे एयर एंड लिक्विड एयर का मिक्सचर, एयर एंड लिक्विड एयर का मिक्सचर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। व्हाई, क्योंकि गैसियस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में जो उसके प्रोपोर्शंस होते हैं, रिलेटिव प्रोपोर्शंस डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में जिस प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करेगा, वो लिक्विड फॉर्म में उस प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों का रिलेटिव प्रोपोर्शंस जो होता है गैसियस फॉर्म में एंड लिक्विड फेज में डिफरेंट होता है, इसीलिए जो है वो मिक्सचर ऑफ एयर एंड लिक्विड एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर ऑफ एयर एंड लिक्विड एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। वाई, बिकॉज द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म एंड इन लिक्विड फॉर्म डिफर। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म एंड इन लिक्विड फॉर्म, तो इसलिए जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्रिटिकल पॉइंट समझ लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे पीवी डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब इस पीवी डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो पीवी डायग्राम है ये अदर देन वाटर है। इस चीज़ को हम लोग को समझना है कि जब भी हम लोग प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाएं, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम बनाएं, या फिर हम कोई भी डायग्राम बना रहे हैं, तो उसमें क्या हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जितने भी सब्सटेंसेज हैं उसका डिफरेंट होगा एक्सेप्ट वाटर। वाटर के केस में क्या होता है, ये एक स्पेशल आपका कह लीजिए कि सब्सटेंस है जिसका जो है डिफरेंट होता है, बाकी सब्सटेंस से जो है इसका चेंज डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे अभी कि कैसे वाटर जो है बाकी सब्सटेंसेस से डिफरेंट बिहेव करता है, इसका बिहेवियर जो है दूसरे सब्सटेंसेस से डिफरेंट होता है। देखिए तो यहाँ पे जो मैंने पीवी डायग्राम बनाया है, दिस इज़ नॉट फॉर वाटर, ये एक्सेप्ट वाटर। सारे सब्सटेंस का पीवी डायग्राम ऐसे ही होगा, दिस इज़ एक्सेप्ट वाटर, ये वाटर के लिए नहीं है। वाटर के अलावा जितने भी सब्सटेंस होंगे सबका पीवी डायग्राम ऐसा ही बनेगा। सो अदर देन वाटर हुज वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन मेल्टिंग। अब होता क्या है, देखिए वाटर की जो स्पेशल बिहेवियर है, स्पेशल कैरेक्टर क्या है उसका, वाटर जो है जब वो मेल्ट करता है तो कोई भी चीज मेल्ट करती है तो वो फैलती है, एक्सपेंड होती है ना, लेकिन वाटर के साथ में उल्टा है। वाटर जब मेल्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। बाकी सारे सब्सटेंस जब मेल्ट करते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं, वो जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि दिस इज अ पीवी डायग्राम हुज वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन मेल्टिंग।
मेल्टिंग करने पे उसका वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन वाटर के साथ में ऐसा नहीं होता है, वाटर इसका उल्टा है। जब भी मेल्ट करेगा वाटर तो उसकी जो है वॉल्यूम इंक्रीज करने के बजाय घटती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द स्पेशल कैरेक्टर और स्पेशल बिहेवियर ऑफ वाटर। अच्छा, अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं ज़रा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि किसी भी सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं, हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू वेपर। कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई मेटल है आपके पास, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो अभी -10 डिग्री सेल्सियस पे उसको आप हीट कर रहे हो अप टू 250 डिग्री सेल्सियस एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 2 atm। मान लीजिए 2 atm प्रेशर पे हम उसको हीट कर रहे हैं, तो अब हीट जब करेंगे तो क्या होगा, इनिशियली जो है वो 0.1 पे होगा, अभी इनिशियली जो है वो 0.1 पे होगा, अभी यहाँ पे होगा इनिशियली जो है वो 0.1 पे होगा। जब मान लीजिए वो जो है सॉलिड स्टेट में है, -10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, अभी वो सॉलिड स्टेट में है। जब आपने उसको हीट दिया, हीटिंग की, तो हीट करने के बाद वो सारा का सारा जो है फिर वो आपका आ जाएगा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा, मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका घटेगा, ठीक है। जब वो यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए 2 पॉइंट पे, जब वो आ गया इस 2 पॉइंट पे, तो इस 2 पॉइंट पे क्या होगा, वो सारा का सारा जो है फेज चेंज करना स्टार्ट कर देगा। नाउ द फेज ऑफ सॉलिड विल स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम 0.2। जब आप उसको और हीट करोगे, आप उसको और हीट दोगे, तो क्या होगा, 2 से 3 में उसका फेज चेंज होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से 3 फेज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सॉलिड से अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 से 3 में जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, बिटवीन 2 एंड 3, इन दोनों लाइंस के बीच में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होगा। ये जो लाइन है इसके सब इधर सॉलिड होगा, इस लाइन के इधर जो है लिक्विड, इन दोनों के बीच में लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट करेगा। बिटवीन दीज टू लाइन्स वेपर एंड लिक्विड फेज में एग्जिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे फेज चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद इस लाइन के इधर सारा का सारा जो वो लिक्विड, अब सॉलिड जो था यहाँ पे, वो 2 पे आके इस पॉइंट पे आ गया, इस कंडीशंस में आ गया कि अब वो अपना फेज चेंज स्टार्ट कर देगा 2 पॉइंट पे। 2 से 3 में उसका फेज चेंज होगा और वो सारा सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। 3 पॉइंट पे आके सारा लिक्विड जो है वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा 3 पॉइंट पे। अच्छा, अब 3 से 4 में क्या होगा, 3 से 4 में आप उसको और हीट दोगे तो फेज चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो 3 से 4 में क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। अच्छा, 4 पे हम लोग जब आ जाएंगे तो क्या होगा, अब उसका फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। 4 पॉइंट पे क्या होगा, उसका फेज चेंज होगा। अच्छा, 4 से 5 में जो है वो सारा लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा वेपर में, वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। और 4 से 5 जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, क्योंकि जब भी फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल देखिए, 1 से 2 क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर तो है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, लेकिन 2 से 3 जब फेज चेंज हो रहा है तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहेगा 2 से 3 में। फिर 3 से 4 में क्या होगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा आप उसको हीट करोगे तो। फिर 4 से 5 में क्या होगा, फेज चेंज होगा, फेज चेंज जब होगा तो 4 से 5 में भी टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद 5 से 6 आप जब जाओगे तो आप जब और हीट करोगे उसी प्रेशर पे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 5 से 6 क्या डिनोट कर रहा है, हीटिंग डिनोट कर रहा है, उसको और आप हीट कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन अभी प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये जो लाइन में दिखा रहा हूं आपको, ये दिखा रहा है कि कोई भी एक सब्सटेंस जो है वो इनिशियली जो है वो सॉलिड स्टेट में था, माइनस में था, सॉलिड में था, आपने क्या किया, उसको हीट करते गए और उसका फेज चेंज हो गया और वो 6 में आके वेपर स्टेट में आ गया, ठीक है। तो आपने एक किसी भी सब्सटेंस को इतना हीट कर दिया कि वो कांस्टेंट प्रेशर पे स्टेट 1 से स्टेट 6 पे आ गया और बाकी डिफरेंट स्टेट्स को उसने कवर किया, जैसे 2, 3, 4, 5। 2 पे क्या था, सारा सॉलिड जो है वो अब फेज चेंज करने वाला है। 3 पे क्या हो जाएगा, सारा सॉलिड जो है लिक्विड हो चुका है। 4 पे क्या हो जाएगा, अब लिक्विड जो है वो वेपर होने वाला है। 4 से 5 में फेज चेंज होगा, जैसे कि यहाँ 4 से 5 में फेज चेंज हो रहा है, 2 से 3 में भी फेज चेंज हो रहा होगा उस सब्सटेंस का, कोई भी वो सब्सटेंस है एक्सेप्ट वाटर, वाटर नहीं है बस, ठीक है। 5 से 6 में क्या होगा, हीटिंग हो रही होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा चलिए, तो आप समझ लेते हैं कि ये जो लाइंस में दिखा रहा हूँ ये डिफरेंट लाइंस को हम लोग कहते क्या हैं। तो ये जो लाइन है आपकी, ये कहलाती है आपकी सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये वाली जो लाइन है आपकी, ये कहलाती है सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये वाली जो लाइन है आपकी कहलाती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये भी आपकी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। इन दोनों के बीच में जो है लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, इसके बीच में ही लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, प्योरली लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके इधर लिक्विड वेपर हो जाएगा, इसके इधर लिक्विड सॉलिड, ठीक। उसके बाद ये जो है, ये लिक्विड आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये है आपका सैचुरेटेड सॉलिड लाइन। ये कौन सी लाइन है आपकी, दिस लाइन इज सैचुरेटेड सॉलिड लाइन, दिस लाइन इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन। अच्छा, अब जहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन जहाँ मिलती हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट।
इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन ये वाली लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन ये लाइन दोनों जहाँ पे जाके मीट करती हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, अब क्रिटिकल पॉइंट पे होता क्या है, देखिए क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को जब आप हीट करोगे तो वो क्या करता है, डायरेक्टली जो है वो लिक्विड से वेपर में ट्रांसफर हो जाता है। इट डायरेक्टली फ्लैशेज इनटू वेपर, देर इज नो ट्रांजिशन जोन। ये जो आप ट्रांजिशन जोन देख रहे हो ये जोन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ लिक्विड अभी लिक्विड वेपर बन गया फिर और वेपर बनेगा फिर वेपर वेपर धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे वेपर बन रहा है वेपर बन रहा है वेपर बन रहा है वेपर बन रहा है, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर इस टेम्परेचर प्रेशर से ऊपर क्या होता है, द लिक्विड विल डायरेक्टली फ्लैशेज इनटू वेपर। There is no transition zone, there is no distinct transition zone। आप उसको distinct नहीं कर पाओगे, पहचान नहीं पाओगे, वो क्या हो जाएगा, suddenly जो है flash कर जाएगा into vapor। It will suddenly flashes into vapor। ये क्या हो जाएगा, suddenly flashes into vapor। ये इस तरह की line यहाँ पर आएगी और क्या होगा, आप जैसे कि मान लीजिए आप draw कर रहे हो, अगर ये आपका isotherm है, मान लीजिए constant temperature line है ये, ठीक है, फिर क्या होगा, ये भी isotherm है आपका। उसके बाद जब जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे, इस क्रिटिकल पॉइंट पे पहुँचोगे, तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर टेम्परेचर होता है उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट से ऊपर आप जब जाओगे तो आइसोथर्म कुछ इस तरीके का आएगा, कुछ इस तरीके का आइसोथर्म होगा। आइसोथर्म मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइन, ठीक है। और ये लाइन जो है आपको इस तरह की दिखेगी, मतलब लिक्विड जो होगा यहाँ पे वो सडनली फ्लैश कर जाएगा इनटू वेपर। देयर इज नो डिस्टिंक्ट ट्रांजिशन जोन। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन मीट्स। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन आके यहां मिलती है, और क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर क्या होता है, लिक्विड जो है सडनली फ्लैशेज इनटू वेपर। देयर इज नो डिस्टिंक्ट ट्रांजिशन जोन। ये ट्रांजिशन जोन नहीं होता है कि आपको धीरे धीरे दिख रहा होगा कि लिक्विड वेपर बन रहा है फिर वेपर बन रहा है और वेपर हो रहा है, ऐसा नहीं। वो डायरेक्टली जो है फिर वेपर में फ्लैश कर जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जोन जो आप जैसे जैसे देख रहे हो, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये वाला जोन घटता जा रहा है, ट्रांजिशन जोन जो है घटता चला जाएगा, घटता चला, ठीक है। और यहां पे जो आप हीट को सप्लाई करोगे इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट आप यहां सप्लाई करोगे ताकि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, इस हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जैसे ही जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन घट रही है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड वेपर लाइन मीट्स, एंड अबव दैट पॉइंट लिक्विड डायरेक्टली फ्लैशेज इनटू वेपर। देयर इज नो सेपरेट और डिस्टिंक्ट ट्रांजिशन जोन, कोई आपको ट्रांजिशन जोन वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं, देखिए ये जो है आपका ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि ट्रिपल पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच ऑल द थ्री फेजेस ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस को एग्जिस्ट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच ऑल द थ्री फेजेस सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस को एग्जिस्ट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तीनों ही एक साथ आपको एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। और ये सारे सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा ट्रिपल पॉइंट, वाटर के लिए अलग होगा, पेट्रोल के लिए अलग, डीजल के लिए अलग, जितने भी सब्सटेंसेस सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रिपल पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ट्रिपल पॉइंट क्या हो रहा है, ये देखिए ये वाली लाइन जो इससे इधर सॉलिड है और इससे फिर जो है वो ट्रांसफर चेंज हो रहा है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जो पार्ट है वो आपको बता रहा है सॉलिड से वेपर में कन्वर्जन। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है आपकी जो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में आप कन्वर्ट कर रहे हो, सब्लिमेशन लाइन है, ठीक है, मतलब सॉलिड से वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ इतना ये नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रिपल पॉइंट लाइन है, ट्रिपल पॉइंट लाइन है। मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस पोर्शन में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है ये और कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। जब यहाँ चेंज होगा तो आप देख रहे हो कि वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, फेज जब चेंज होगा, क्योंकि फेज जब चेंज होता है तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होता है, तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो, ये है आपका ट्रिपल पॉइंट लाइन जो कि आपको दिखा रहा है तीनों फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ में इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मींस अगर किसी भी एक टेम्परेचर प्रेशर पे, जैसे वाटर का है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट अलग होगा, तो उसके वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होगा वो प्रेशर टेम्परेचर जो यहाँ पे होगा वहीं यहाँ पे होगा, वहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर लाइन है। इस लाइन में टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पर अगर किसी भी पॉइंट पर देखो, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स पर जब आप देखोगे, यहाँ देखो, अगर आपने यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, तो इस लाइन पर कहीं पर भी आप देखोगे तो आपको तीनों फेज मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लिक्विड भी मिलेगा,
मिलेगा, यहाँ पे वेपर भी मिलेगा, सॉलिड भी मिलेगा, यहाँ पे भी लिक्विड वेपर, सॉलिड, लिक्विड वेपर, सॉलिड, टिल यहाँ तक। उसके बाद ये नहीं है आपका, ये वाला पोर्शन जो है वो ट्रिपल पॉइंट लाइन नहीं है, नहीं ये नहीं है। बिकॉज क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि इस लाइन पे जो है आपको इधर वेपर है, इधर सॉलिड है, लेकिन लिक्विड तो है ही नहीं, तो ये वाला ट्रिपल पॉइंट लाइन नहीं है। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो है ट्रिपल पॉइंट लाइन है, इतना वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक ये बस ट्रिपल पॉइंट लाइन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि आपको पीटी डायग्राम बनाना था, तो पीटी डायग्राम मतलब प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम बनाना था। तो अब ये जो है प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, ये किसके लिए है? ये वाटर के लिए है, और ये एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ के जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उन सब का पीटी डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो लाइंस मैंने दिखाई हैं वो क्या है। देखिए, ये है आपका सब्लिमेशन कर्व, ये है आपका सब्लिमेशन कर्व, यहाँ से यहाँ तक जो है सब्लिमेशन कर्व, ये वाला आपका फ्यूज़न कर्व है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न लाइन, ये फ्यूज़न लाइन कह लीजिए या फ्यूज़न कर्व कह लीजिए। ये है आपका वेपराइजेशन लाइन, जब आपका वेपर होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्लिमेशन लाइन, फ्यूज़न लाइन, वेपराइजेशन लाइन। अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो स्लोप है फ्यूज़न कर्व का, ये जो फ्यूज़न लाइन है ना, ये वाली फ्यूज़न लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव है, देख रहे हो आप, नेगेटिव है इसका स्लोप, बाकी सबका, इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है। तो सब्लिमेशन लाइन एंड वेपराइजेशन लाइन दोनों का स्लोप सारे सब्सटेंस के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन फ्यूज़न लाइन का कर्व जो है वो वाटर के लिए नेगेटिव होता है। तो आपको क्या याद रखना है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि द स्लोप ऑफ फ्यूज़न लाइन इज़ नेगेटिव फॉर वाटर, सिर्फ वाटर के लिए, बाकी फ्यूज़न लाइन, वेपराइजेशन लाइन, सब्लिमेशन लाइन सारे सब्सटेंस के लिए आपको देख रहे हो पॉजिटिव होगा, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे पॉजिटिव है सबके लिए, लेकिन वाटर के लिए जो है फ्यूज़न कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है। ये पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम है, ये आपका जो है सब्लिमेशन लाइन है, वेपराइजेशन लाइन है, ये फ्यूज़न लाइन है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, सॉलिड इस लाइन के इधर जो है, ये लाइन जो है आपकी, ये वाली लाइन, ये डिनोट कर रही है आपकी फेज चेंज, मतलब सॉलिड से लिक्विड ट्रांजिशन हो रहा होगा इस लाइन पे, और फिर यहाँ इधर सॉलिड होगा और इधर लिक्विड होगा, और फेज चेंज जो है इसी लाइन पे होगा आपका, ठीक है। क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे फेज चेंज होता है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम तो आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि ये वॉल्यूम यहाँ तो हम डिनोट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ वॉल्यूम होगा, यहाँ कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम होगा। तो ये जो है आपका प्रेशर टेम्परेचर दिखा रहा है, ये प्रेशर टेम्परेचर दिखा रहा है, इस प्रेशर टेम्परेचर पे फेज चेंज हो रहा होगा, इस प्रेशर टेम्परेचर पे फेज चेंज हो रहा होगा, तो इसके इधर सॉलिड होगा, इसके इधर लिक्विड होगा। सिमिलरली ये जो फ्यूजन लाइन है, फ्यूजन कर्व है, इसके इधर सॉलिड होगा, इसके इधर लिक्विड होगा। ये वाला जो कर्व है आपका वेपराइजेशन कर्व, इसके इधर वेपर होगा और इधर लिक्विड होगा, ठीक है। अब इधर आके हम देखते हैं जरा सा अदर सब्सटेंसेस के लिए, वो सब्सटेंस के लिए जिनका जो है जब आप उसको मेल्ट करते हो तो वो एक्सपेंड करता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलिए वो ये चीज़ अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब ये देखिए, ये है आपका सब्लिमेशन लाइन, वेपराइजेशन लाइन एंड फ्यूज़न लाइन, ठीक है। ये फ्यूज़न कर्व कह लीजिए इसको, ये क्या है आपका फ्यूज़न कर्व है आपका, ठीक, फ्यूज़न कर्व है। तो आप देख रहे हो कि इसके इधर सॉलिड है, इसके इधर आपको वेपर मिलेगा, इधर आपका सॉलिड है, इधर आपको वेपर है, ये तीनों लाइंस जो हैं, ये फ्यूज़न लाइन, वेपराइजेशन लाइन एंड सब्लिमेशन लाइन, यहाँ पे मीट कर रहे हैं ट्रिपल पॉइंट पे। तो पीटी डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट जो है एक पॉइंट होता है, यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट होता है, लेकिन पीवी डायग्राम में वो एक लाइन होता है, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिस पे टेम्परेचर प्रेशर होता है, किसी भी सब्सटेंस के लिए एक ही टेम्परेचर प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट होता है, लेकिन जब किसी का भी फेज चेंज होता है तो क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो यहाँ पे जब आप पीवी डायग्राम बनाओगे तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। तो ट्रिपल पॉइंट लाइन जो है वो पीटी डायग्राम में एक लाइन होती है, पीवी डायग्राम में, ये पीवी डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट लाइन जो है, आप ट्रिपल पॉइंट जो है एक लाइन में होगा, लाइन फॉर्म में होगा, लेकिन पीटी डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट आपको एक पॉइंट दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये ट्रिपल पॉइंट को डोनेट कर रहा है। और पीवी डायग्राम में ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है वो ट्रिपल पॉइंट है, ये भी ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ये सब ट्रिपल पॉइंट है, ठीक है। ये भी आपके ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट, ये सारे ट्रिपल पॉइंट है पीवी डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि देखिए इसका कर्व जो है पॉजिटिव है, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, फ्यूज़न लाइन का सब्सटेंस एक्सेप्ट वाटर, उसका कर्व पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब ये होता क्यों है? इसीलिए होता है, इसके रीज़न में हम लोग ये लिखेंगे कि जब वॉल्यूम, जब वाटर आपका उसको हीट करते हैं हम, तो क्या होता है कि उसका वॉल्यूम जो है बढ़ने की बजाय उसका वॉल्यूम घटता है, ठीक है, वॉल्यूम उसका घटता है। तो उस चीज़ को मैं इस इक्वेशन से अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इस चीज़ को आप एग्जाम में लिखेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे। अब इस इक्वेशन को देख सकते हैं कि पी वी अपॉन डी पी ओवर डी टी, ये क्या है, स्लोप है,
पीटी डायग्राम का स्लोप है ये, डीपी ओवर डीटी, ये जो है आपकी क्या है, ये इक्वेशन है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, डीपी ओवर डीटी ये क्या है, स्लोप है, ठीक। अच्छा अब ये इक्वल टू होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर वी एल माइनस वी एस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब जितना हीट आपको देना पड़ेगा उसका फेस चेंज कराने के लिए, टी वो जिस टेम्परेचर पे उसका फेस चेंज हो रहा होगा, और वॉल्यूम यहाँ पे जब वो लिक्विड स्टेट में है उस वक्त का वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और वो जब वो सॉलिड स्टेट में है। तो अब होता क्या है, वाटर के साथ में क्या होता है, वाटर के साथ में ये होता है कि जब उसको आप हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम जो है वो घटता है, मतलब लिक्विड स्टेट में जो उसका वॉल्यूम होगा वो कम होता है, नेगेटिव होता है, उसका वॉल्यूम जो है ये वाली चीज़ जो है नेगेटिव आएगी आपकी, ये वाली चीज़ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ये वाली चीज़ क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। कैसे नेगेटिव आएगी, क्योंकि VL माइनस VS नेगेटिव होगा, क्योंकि जब उसको आप हीट करते हो तो हीट करने के बाद उसका वॉल्यूम जो है लिक्विड स्टेट में घटता है, VS ज़्यादा होगा VL कम होगा जब आप उसको हीट करोगे, बाकी एक्सेप्ट